वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू की थी कि रन एलाइनमेंट व्हील एलाइनमेंट और बैलेंसिंग की, इसके अंदर हमने जो रिम सादी रिम होती है उसके अंदर बैलेंसिंग किस तरह से किया जाता है वो देखा था। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो सारे की प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो मैग व्हील रहते हैं एल्यूमिनियम एलॉय व्हील, तो उसके अंदर बैलेंसिंग किस तरह से किया जाता है पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप यहाँ पे नहीं है तो अपने सब्सक्राइब बटन प्रेस किया, नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलो इसे शुरू करते हैं। जब हम टायर चेंज करते हैं, टायर में पंचर हो जाता है, इस तरह की कोई कंडीशन होती है, तब हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो बैलेंसिंग है वो करना पड़ता है। बैलेंसिंग क्या होता है कि कार के अंदर जो है व्हील एलॉय है वो व्हील जो अनबैलेंस होता है उसे बैलेंस किया जाता है एक्स्ट्रा वेट लगा के, ताकि क्या हो कि जब कार एटी के स्पीड पे जाए तब कार वाइब्रेशन ना करे। इसके अंदर आप देख सकते हैं येलो व्हील है, तो हम इसके अंदर भी इसके नए व्हील डाल रहे हैं, तो इसका जो बैलेंसिंग है वो करने वाले हैं। बाद में मैं दोस्तों यह मशीन किस तरह से यूज़ करना है इसका वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी क्या अपना हेतु है, इसका बैलेंसिंग किस तरह से किया जाएगा वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। या दोस्तों एलॉय व्हील के लिए है। दोस्तों सबसे पहले टायर के अंदर एयर प्रेशर है उसे कंप्लीट करना होता है। इसके अंदर अभी हमने क्या टायर प्रेशर को कम्प्लीट कर दिया है, तो अब इसका हम बैलेंसिंग करने वाले हैं। दोस्तों अंदर की साइड कोई भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हमें स्टिकर वेट लगाने होते हैं। अगर यहाँ पे मिट्टी जैसा रहेगा तो अपना स्टिकर वेट है वो अच्छी तरह से लगेगा नहीं, तो इसे क्या हमें थोड़ा सा पॉलिश करके लेना होगा ताकि वेट है वो अच्छी तरह से लग जाए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इस व्हील को लगाया जाएगा। दोस्तों व्हील कम्प्लीटली फिट होना चाहिए, जब घूमे तब वो हिलना नहीं चाहिए, इसलिए इसे फुल्ली टाइट करना होगा, तभी हमें जो परफेक्ट घूमेगा तभी हमको इसका जो अनबैलेंस वेट होता है उसे हम बैलेंस करने के कर पाएंगे, वरना क्या होगा कि वेट आते ही रहेंगे। दोस्तों ये परफेक्टली टाइट हो चुका है, अब इसका जो मशीन को स्टार्ट कर देना है और इसका जो सेटिंग है उसे हमें करना होगा। तो सबसे पहले इसकी जो रिम की साइज़ ने वो है वो सब सेट करना होगा हमें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह साइज़ है उसे जानना होगा। दोस्तों इसमें वीडियो में ब्लिंकिंग कर रहे हैं, पर ये ब्लिंकिंग नहीं कर रही है रियल में। तो दोस्तों व्हील के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी साइजिंग लिखी हुई 15x6J, जिसका मतलब वो है रिम है वो 15 की है और इसको यहाँ 20 में है वो 6 हमें सेट करना होगा। तो उसे हम पहले 6 कर देते हैं, यहाँ पे 15 की रिम है, पर क्या हम इसे यहाँ पे टच कराएंगे उसे सेट हो जाएगा। फिर इसको हमें सेट कर देना है यहाँ से, ये 15 की रिम हो गई और यह 6 के जो इसके साइजिंग है वो सब आ गया। बाद में हमें क्या करना है इसे घुमाना है। तो दोस्तों इस तरह से घुमाने पर ये कितना अनबैलेंस हो दिखाई देगा, पर दोस्तों ये मैग व्हील है तो इसमें दोनों साइड हम स्टिकर नहीं लगा सकते हैं, तो हमें इसका जो परफेक्टली वेट है वो बीच में लाना होगा ताकि हम इसके बीच में है उसे वेट लगा सके। तो यहाँ पे हमें इसका ऑप्शन दिया गया होता है यह प्रेस कर देना है। तो दोस्तों ये वेट है वो बीच में आ गया, अब वो वेट कहाँ लगाना है इसे हम घुमाएंगे। अब देख सकते हैं सब लाइनें कंप्लीट आ जाती है, ये सारी की सारी लाइनें फिलअप हो जाती है, तो वहाँ पे हमें उसके ऊपर की साइड ये इसके जो ऊपर की साइड एग्जैक्ट हमें वेट लगाना होता है। तो दोस्तों इसका मैं वेट आपको दिखा देता हूँ, पहले इस तरह का वेट है इसमें यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अभी 20 आया है, तो ये आप देख सकते हैं ये 10 है, ये 15, इस तरह से इसके 5 और 10, 5, 10 का सेट रहता है। तो 20 है तो हम क्या करेंगे, ये 2 5 के और ये 10 का है उसे निकाल के ऊपर की साइड लगा देंगे। दोस्तों ये अब 20 से यहाँ पे, तो ये वेट इसके लिए परफेक्ट हो चुका है, इसको पूरी तरह से बीच में ला दो और वेट लगाना है। तो दोस्तों हमने इसके ऊपर से जो स्टिकर था वो निकाल दिया, बिल्कुल सेंटर में है, तो इसका जो ये सेंटर है उसी के अप साइड हमें इसे लगा देना है इस तरह से। तो दोस्तों इसे लगा देने के बाद हमें क्या करना होगा, इसे वापस से घुमाना होगा। घूमेगा फिर से इसका वेट दिखाएगा, तो आप देख सकते हैं अभी ये जीरो हो गया है, जीरो हो गया, इसका मतलब इसका बैलेंसिंग परफेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस पूरी प्रोसेस से हमें बैलेंसिंग करना होता है। दोस्तों यह प्रोसेस है वो येलो व्हील के लिए है। येलो व्हील में हम सेंटर में वेट लगाते हैं, बाकी दोनों तरफ हमें वेट दिखाई देता है, सादी रिम में उसको दोनों तरफ लगा के बैलेंसिंग किया जाता है, यही डिफरेंस होता है येलो व्हील और रिम के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वेट है वो यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं, तो उसे
हमें क्या करना होगा, अच्छी तरह से सिपका देना है। इसके लिए हम इसे हैमर की मदद से उसे थोड़ा थोड़ा हिट दे देंगे। तो दोस्तों इस तरह से अच्छी तरह से चिपक जाएगा, अब यह निकलेगा नहीं। तो यह व्हील का बैलेंसिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसे इंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों अभी यह व्हील रेडी है, तो इसे हम कार के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों यही प्रोसेस है, मैं सारे को सब व्हील है उसे करना होगा बैलेंसिंग। पर दोस्तों अब क्या है कि ये डेटा बार बार हमें डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो व्हील है उसके हिसाब से डेटा सेट हो गया है। तो वन बाय वन व्हील हम यहाँ पे लगाएंगे और इसका बैलेंसिंग कर देंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि येलो व्हील का बैलेंसिंग किस तरह से किया जाता है। मैंने सीरीज चालू किया लर्न अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, तो मैं इसके अंदर आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा, ताकि आप भी इसे परफेक्टली सीख सकें। पहले हमने सादी रिम पहले किस तरह से बैलेंसिंग किया जाता है वो दिखाया था, अब हमने सीखा कि एलॉय व्हील में किस तरह से किया जाता है। और कोई डिफरेंस आता है दोस्तों तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।